2024 का सबसे वायरल हेयर स्टाइल मुलेट। लेकिन क्या ये छपरी है या नहीं, और ये हर आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा या नहीं, और ये किस हेयर लेंथ पे अच्छा लगेगा, और इसको स्टाइल कैसे करते हैं। एक मिनट, पहले मुलेट हेयर कट तो करवा लें। चलो, फिर हम अपनी रोल्स रॉयस में बैठ के पहुंच गए हमारे सैलून, जहाँ पे बाल धो के हमने बताया कि हमें कैसा हेयर कट चाहिए। क्योंकि पीछे से ठीक लेंथ हो गई है तो मुलेट के लिए, एक तो आप यहाँ से ऊपर उठ रहे हैं वो कम कर दो, क्योंकि बल्क आ रहे हैं यहाँ पे, तो फिर ये थिन हो जाएंगे, ये लेंथ सही हो जाएगी। ऊपर से तो हल्के से छोटे ही थे, इससे मीडियम लेंथ टाइप के थे, साइड से तो आप फेड करोगे। यहाँ तक बिल्कुल जीरो था, हाँ ठीक है, जितना मेरा ये फिंगर हाँ, है हाँ। उसके बाद फिर फेड होता गया था, उसमें मर्ज हो, मतलब साइड से ऐसे ना निकल गए, अब वो नहीं निकल गया। और फिर मेरे बालों पे लगा दी उन्होंने क्लिप्स, क्योंकि हेयर की गाइडलाइन रखने के लिए। फिर हमने शुरू किया साइड से एक लो फेड करवाना, नीचे जीरो पे ट्रिमर शुरू करके। अब भाई, अगर आप चाहते हो कि ये और ज्यादा स्टाइलिश लगे कट, तो आपको एक हाई फेड करवाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक लो फेड करवा के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एक ऐसा हेयर स्टाइल मैं बना के दिखा पाऊँ जो कि स्कूल कॉलेज हर जगह एक्सेप्ट हो जाए। फिर ये साइड के फेड को पीछे से कैसे मर्ज करना है, उस पे हमने डिस्कशन किया कि फिनिशिंग पीछे दे या नहीं। यहाँ से जीरो कर रहे हैं, यहाँ से नीचे, हाँ इससे नीचे, और कहाँ तक ऊपर फेड होएगा? फेड तो यहाँ तक होगा, okay. पर इसकी गाइडलाइन यहाँ से लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो एयर खत्म हो रहा है ना यहाँ से, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर शानू भाई ने ये इंश्योर किया कि जो फेड की लाइन साइड में है वो पीछे वाले बालों की लाइन के साथ एक कर्व में मैच हो जाए। और भाई, आपको ये भी समझना है कि आपके साइड्स पे फेड होना इसलिए जरूरी है ताकि ये हेयर कट उसकी मॉडर्न फॉर्म में लगे। और साइड से फेड करवाने से ही आपकी साइड्स का बल्क कम होगा और आपका फेस ज्यादा रेक्टेंगुलर या ऑब्लॉन्ग लगेगा, जो कि आपके फेस को और बेटर और स्ट्रक्चर दिखाएगा। और फेस शेप की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मुलेट मोटी या चौड़ी फेस शेप्स पे अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे मुलेट लंबी होने से आपका फेस थोड़ा और लंबा दिखता है, तो चीजें बैलेंस हो जाती हैं। एंड इसी सेम रीजन से अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन वगैरह है, तो शायद आपके ऊपर मुलेट उतना अच्छा ना लगे जितना एक क्लीन क्रॉप कट टाइप का हेयर स्टाइल लगेगा। और फिर हेयर कट के बीच में हम लोग मेरे हेयर फॉल की बात करने लग गए। भाई जैसे ध्यान रखो अपना, काफी देख लो वो वेट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ज्यादा दिख रहा है। 30 साल की उम्र के बाद थोड़ी ना चलता है सर मिनोक्सिडिल, फिर कुछ फिर तो सर ट्रांसप्लांट ही है। 30 तक बचाने के लिए तो मिनोक्सिडिल होता है। फिर हमने बालों को पार्टीशन करके ये देख लिया कि इस हेयर स्टाइल पे भी मुलेट सही लग पाएगी या नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ये दिक्कत भी बता दूं कि क्योंकि जब हमने एक बार बहुत पहले पार्टीशन वाला किया था ना, जब ये सोचा था कि पार्टीशन वाला ही करेंगे, तब मैसी में ये दिक्कत आती थी कि दोनों साइड यहाँ की लेंथ अलग थी। हाँ वो रहेगी, हाँ वो बिल्कुल वो वाली ना आएगा। और फिर मैंने भाई को बताया कि मेरे को अपने ऊपर वाले बाल यानी कि क्राउन एरिया कैसा चाहिए। ठीक है, तो अभी क्राउन एरिया से इतने कर दो कि पार्टीशन भी बन जाए, मैसी भी हो जाए, ओके, जब बाल ड्राई हो तो स्कैल्प भी ना दिखे, ठीक है, और इतने लंबे ना हो कि अजीब लगे, और आगे माथा इतना तो छुप ही जाए। अब भाई, क्राउन एरिया की लेंथ आपको ज्यादा छोटी नहीं करवानी है, नहीं तो आपके पीछे की मुलेट के साथ बैलेंस नहीं हो पाएगी। आपको याद रखना है कि आपके क्राउन पे इतने बाल हो कि आप ऊपर वॉल्यूम दे पाओ। तो अगर आपके क्राउन पे बहुत डेंस बाल है तो आप थिनिंग भी करवा सकते हो, लेकिन अगर मेरी तरह ऑलरेडी थिन बाल हैं तो आपको सिर्फ टेक्सचरिंग करवानी है जिससे कि वॉल्यूम ज्यादा लगेगी। और रही बात आपके फोरहेड पे जो बाल आ रहे हैं उनकी, तो वो आपको ज्यादा लंबे नहीं रखने हैं, क्योंकि मुलेट के साथ बहुत जरूरी है कि आपके फोरहेड के बालों में वॉल्यूम हो। तो थिन हेयर टाइप वाले छोटे करवा लें और कर्ली वाले बस इतनी लेंथ रख लें कि आगे जब बाल गिरे तो उनमें वॉल्यूम रहे। और फिर मैंने भाई को अपनी एक पर्सनल क्राउन की प्रॉब्लम बताई मेरे बालों की, तो उसका भी सोल्यूशन मिल गया। ऐसे करके हाथ मारता हूँ ना तो यहाँ से बाल उठ जाते हैं, यहाँ से बाल उठ जाते हैं, ये वाले भारी रहते हैं तो आगे से गिर जाते हैं, तो उससे क्या होता है ये गिरे रहते हैं, यहाँ से उठ जाते हैं तो वो गंजे वाली शेप और हो जाती है। अच्छा, तो ये क्राउन थोड़ा सा मिडिल वाला पार्ट को शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट कर दो या टेक्सचर हल्का कर दो, हाँ टेक्सचर वाला। फिर भाई ने साइड के फेड और ऊपर के क्राउन को मर्ज कर दिया और फिर शुरू हुआ मुलेट हेयर कट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पीछे के बाल की कटिंग। अब भाई, इसमें बहुत जरूरी है कि आपके कानों के जस्ट पीछे वाले बाल, जो कि बेसिकली पीछे वाले बालों की साइड है, वो थोड़ी ज्यादा थिन रहे बीच वाले पार्ट से, ताकि अच्छे से आपके साइड के फेड के साथ मर्ज हो जाए। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीछे वाले बालों के अपर पार्ट में कभी भी ज्यादा बल्क नहीं होना चाहिए, तो आपको इस वाले पार्ट को ना ही सिर्फ छोटा करवाना पड़ेगा बल्कि उसकी थिनिंग भी करवानी पड़ेगी, ताकि सीधे सीधे तरीके से नीचे की तरफ मुलेट में जाए। क्योंकि अगर पीछे वाली साइड के ऊपर वाले बाल ज्यादा हो गए तो वो मम्मी के जूड़े की तरह पीछे मोटे निकल आएंगे। फिर बालों को ब्लोजॉब देके हमने देखा कि सूखने के बाद कैसे लग रहे हैं। आप बताओ। हाँ सही है। हाँ?
फिर हमने जीरो ट्रिमर से फिनिशिंग करवा के वैक्स लगवा के स्टाइलिंग भी करवा ली। और भाई ये है हमारा फाइनल मुलेट कट, एकदम नीट लग रहा है और पीछे से बिल्कुल भी बल्की नहीं लग रहा। आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप पहले पीछे से भी पूरा फेड करवाते थे मेरी तरह, तो आपको पेशेंस चाहिए भाई मुलेट को ग्रो करने देने के लिए। मतलब कुछ महीने तक बस पीछे का बल्क खत्म करवाते रहो बिना लेंथ कम करवाए। एंड एनीवे मेरे तो स्ट्रेट थिन बाल थे, तो सोचा कि हर्ष के वेवी बालों पे भी मुलेट करवा के देख लेते हैं। फिर साइड से फेड करवाते हुए मैंने हर्ष की ली वीडियो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और आप देख सकते हो हर्ष के हेड के पीछे का पार्ट एकदम स्ट्रेट गिरता है, तो उसका पीछे के बालों का कट उसी हिसाब से सीधा सीधा आएगा, इसलिए उसको ऊपर की थिनिंग अलग और नीचे की थिनिंग अलग करवाने की जरूरत नहीं है मेरी तरह। फिर ऊपर से क्राउन एरिया के बाल मीडियम लेंथ पे रख के बाकी जगहों से मर्ज करके और फिर एक और ब्लो जॉब देके हो गई हमारी एक और मुलेट रेडी। और हम दोनों की मुलेट की एग्जैक्ट फ्रंट साइड और बैक प्रोफाइल्स हम रिवील करेंगे वीडियो के एंड में, ताकि आप भी अपने हेयर स्टाइलिस्ट को दिखा पाओ। हेयर कट के बाद मैं गया बियर्ड फेड करवाने के लिए, ताकि पूरा फेस एकदम अच्छे स्ट्रक्चर में लगे। अब हेयर कट बियर्ड वगैरह करवा के हम वापस स्टूडियो में आ गए हैं और मैंने पहनी हुई है अर्बन नीड्स की ओल्ड मनी कलेक्शन। एनीवे आप देख सकते हो कट तो बहुत शानदार हुआ है, लेकिन अब इसको स्टाइल कैसे करना है? तो भाई सबसे इजी एवरीडे स्टाइल करने वाला स्टाइलिस्ट में हो सकता है मेसी स्पाइकी टाइप का। स्पेशली अगर आपके बाल वेवी या स्ट्रेट टाइप के हैं, तो आपको मेसी स्पाइकी ही थोड़ा वॉल्यूम देके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे फ्रिंज टाइप का कुछ सोचोगे, जैसा हमने हमारी क्रॉप कट वीडियो में भी बताया था कि आगे माथे के ऊपर बाल गिरा के रखने वाला स्टाइल, तो वो मुलेट के साथ उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पीछे के बाल भी थोड़े से लंबे हैं, तो ज्यादा शैबी ना लगे। हाँ, अगर आपके बाल कर्ली हैं तो शायद फ्रिंज वाला भी अच्छा लग सकता है। अब अगर आप पीछे मुलेट के साथ आगे का पार्ट मेसी स्पाइकी टाइप रख रहे हो, तो वो बहुत कैजुअल आउटफिट्स पे ज्यादा सूट करता है, या फिर आप बहुत कैजुअल से दोस्तों के साथ चिल मारने जा रहे हो, तब ये बेस्ट सूट करने वाला है, इवन एवरीडे कॉलेज में भी। अब मेसी स्पाइकी स्टाइल कैसे करना है, आपको बस बेसिक हेयर पाउडर चाहिए, या फिर आप हल्का सा क्ले वैक्स भी यूज कर सकते हो और वो अपने बालों पे अप्लाई कर लोगे, उसके बाद हल्का सा भी ब्लो ड्राई कर लोगे। आप ब्लो ड्राई नहीं भी करोगे तब भी मेसी स्पाइकी लुक आ जाएगी। दूसरा हेयर स्टाइल जो आप मुलेट में रख सकते हो, अब देखो पहला वाला थोड़ा स्ट्रीट के लिए था, अगर आपको थोड़ा सा ओल्ड मनी स्टाइल करना है, या फिर आपको ऑफिस जाना है, या फिर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, या फिर आप ऐसी डेट पे जा रहे हो जिसमें आप थोड़ी सी मैच्योर वाइब्स रखना चाहते हो अपने कपड़ों के साथ, तो डेफिनेटली आप साइड पार्ट के लिए जा सकते हो। और क्योंकि हमारे स्टाइल में अभी भी साइड में फेड ही है, तो साइड पार्ट वाला बिल्कुल भी गंदा मेसी टाइप का नहीं लगेगा, अभी भी थोड़ा सा प्रोफेशनल ही लगेगा। अब ऑब्वियसली साइड पार्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको ब्लो ड्रायर डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा, और आपको वैक्स या फिर पोमेड टाइप का कोई प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपके बाल सही तरीके से सेट हो जाए। लेकिन एक बार 5-10 मिनट लगा के आपने ये स्टाइल बना लिया, तो बहुत ज्यादा सेक्सी लगेगा। बल्कि मैं तो बोलूंगा साइड पार्ट वाला स्टाइल मुलेट के साथ ज्यादा सेक्सी लगता है, कंपेयर टू अगर आपने पीछे से भी फेड करवाया हुआ है तो। प्लस इसका उल्टा भी, कि मुलेट भी ज्यादा क्लासी लगती है अगर आपका आगे साइड पार्ट हो। एंड एक और हेयर स्टाइल जो आप कर सकते हो मुलेट के साथ, वो है स्लिक बैक, जो कि जीजी टाइप का हेयर स्टाइल हो गया। मेरे उतने लंबे बाल नहीं है, तो मैं स्लिक बैक करके नहीं दिखा सकता आपको, बट कभी कभी पार्टीज के लिए वो भी कर सकते। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि भाई कितने रुपए खर्च होने वाले हैं स्टाइल करवाने के लिए। अब भाई क्योंकि मुलेट पीछे से थोड़ी सी मेसी लग सकती है, अगर आपने बाकी वाला एरिया क्लीन नहीं रखा, तो आपको एक फेड और थोड़ी सी लाइनिंग करवानी ही पड़ेगी एवरी 2 वीक्स। और एक हेयर कट का खर्चा करीब 100 रुपए मान के चल रहा हूँ मैं, मेरा 150 होता है वैसे, बट ऑन एन एवरेज 100 रुपए मान के चल रहा हूँ, तो महीने के 200 रुपए तो इसी पे जाएंगे। ऊपर से अगर आप वैक्स पाउडर पोमेड वगैरह यूज करते हो, तो वो 300 रुपए करीब का एक आता है, और वो करीब 1 साल तक चलते हैं, तो 2 प्रोडक्ट्स लोगे तो 600 रुपीज आपके 1 साल चल रहे होंगे। और साथ में अगर आप ये भी जोड़ लो कि एक हेयर ड्रायर तो लेना ही होगा, तो वो भी भाई ठीक है 1000 रुपए का तो मिनिमम आएगा ही, तो वो भी आप अपनी कॉस्ट में जोड़ लो। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मुलेट के बारे में आजकल पूछे जा रहे हैं, कि क्या ये छपरी हेयर स्टाइल है या नहीं। भाई ये हेयर कट छपरी नहीं है, इसका हेयर स्टाइल अगर आप चाहो तो आप छपरी कर सकते हो, मेरे को नहीं लगता कि आप चाहोगे। अब इसकी छपरी ने अवॉइड करने के लिए क्या करना है, एक तो पहले आप ये समझो कि अगर कोई इंसान छपरी है, तो उस पर मुलेट करवा के वो डेफिनेटली और छपरी लगेगा, बट आप तो नहीं हो ना, तो आप क्यों डर रहे हो। ऊपर से एक बात तो ये जरूर है कि अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, तो डेफिनेटली मैच्योरिटी ऐड हो जाती है फेस पे, तो ऑब्वियसली मुलेट का वो जो मस्ती फैक्टर है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है। और सेम चीज होती है बियर्ड से, तो अगर आपकी बियर्ड है तो आप डेफिनेटली मुलेट के साथ उस बियर्ड को रखो, बट ये याद रखना कि क्योंकि साइड में आपके बालों पे फेड है, तो नीचे बियर्ड पे भी फेड से ही शुरू होना चाहिए, ताकि आपकी बियर्ड और आपके बाल मर्ज हो जाए। और देखो 100 बात की एक बात, आप सही जगह पे सही स्टाइल बना के जाओ ना, मुलेट तो सिर्फ एक हेयर कट है। अगर आपको किसी क्लासी जगह पे ही जाना है, तो आगे से साइड पार्ट कर लो, हो गया ना शॉर्ट। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम आपको सैलो में बुला के आपका एक हेयर कट करवा के आपके बालों की ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि वो सीरीज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शुरू कर दी है। बाकी आपको किसी और हेयर स्टाइल रिलेटेड कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।